स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। मैं राहुल बोझ आप लोगों को बताना चाहता हूँ सत्यमेव जयते पार्ट टू के बारे में कुछ दिलचस्प तीन कैरेक्टर वाली बात। जॉन अब्राहम साहब लगाएंगे तीन का तड़का। आइए दोस्तों क्या है बात सुनिए ध्यान से। पीवी मून की एक रिपोर्ट आई है जहां पर इस बड़ी बात का खुलासा हुआ है दोस्तों कि मिलाप जावेरी जो है वो बनाने वाले हैं एक ऐसी फिल्म जो कि करप्शन को ढो डालेगी और इसमें जो है एक्शन 10 times ज्यादा होगा जो कि ओरिजिनल फिल्म में था, यानी कि सत्यमेव जयते जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। बाय गॉड उसका एक्शन देख के मजा आ गया था और लिटरली जो पहला सीन था जिसमें जॉन अब्राहम चिता जलाते हैं रूह कांप गई थी और कहीं ना कहीं एक ऐसा होता कि यार ये करारा जवाब दिया है। खैर वैसे आपको बता दूं दोस्तों तो इसकी शूटिंग जो है लखनऊ में शुरू होगी और ऐसे में हो भी रही है। इनफैक्ट आपको बता दूं तो वहीं पे ही होगी ये सारी चीजें जिसमें कि दोस्तों आपको बता दूं तो जॉन अब्राहम के तीन कैरेक्टर्स होंगे। जी हाँ तीन बता दूं तो इस रिपोर्ट में एक्सक्लूसिव ये लिखा हुआ है कि जॉन अब्राहम के तीन कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो उन्हें इंटरनल पता चली है। एक तो कॉप का कैरेक्टर होगा, दूसरा कॉमन मैन का कैरेक्टर होगा, तीसरा क्या कैरेक्टर होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी हाँ और हाँ सॉरी एक फार्मर का भी है जिसमें वो हल लेकर आए ना, अभी नया पोस्टर जो आया है तो वो हल होगा। तो ये तीन कैरेक्टर्स जो हैं अलग अलग होंगे जॉन अब्राहम के और लिटरली ये मजेदार होंगे। और दोस्तों जब तीनों ऑन स्क्रीन आएंगे ना लिटरली क्या मजा आएगा। वैसे आपको बता दूं तो ये फिल्म जो है बन बुन के रेडी होने वाली थी अभी 2020 के अंदर अंदर दोस्तों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम ऐसा हुआ, अनफॉर्चुनेटली चीजें ऐसी हुई कि ये फिल्म अब शिफ्ट हो गई है, 2021 में रिलीज होगी दोस्तों ये। और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और अभी मैंने इनफैक्ट आपको बताया था कि ईद के मौके पर रिलीज होगी 2021 में, देखते हैं क्या होता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। एंड इस फिल्म के अंदर जब जॉन अब्राहम को तीन कैरेक्टर में देखेंगे तो लिटरली मजा आ जाएगा। सो गाइस कितने एक्साइटेड हैं आप इस बात को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों मैं हूं पलक श्रीवास्तव। दोस्तों बॉलीवुड स्पाई को तो आपने बहुत सारा प्यार दिया और अब हमारे नए चैनल फूड स्पाई को भी आपकी उसी प्यार और सम्मान की जरूरत है। मैं शुक्रगुजार हूं बॉलीवुड स्पाई का जिन्होंने मुझे मेरे टैलेंट को शो करने के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। दोस्तों फूड स्पाई पे आपको मिलेंगी ढेर सारी रेसिपीज, इजी एंड क्विक रेसिपीज, एंड सेलिब्रिटीज खुद बताएंगे कि वो कौन सा डाइट प्लान फॉलो करते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।